अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आज फिर आपके साथ हैं। मैं लास्ट वीक नहीं आ सकी, मेरा कुछ गला खराब था, मेरी तबीयत खराब थी, अब कुछ बेहतर है तो हमने कहा कि आज आपके साथ हम जरूर आएंगे। आपके से जो भी सवाल हैं हेल्थ से रिलेटेड, हम उन सब सवालों के जवाब देंगे। आपके पास जो सवाल हैं आप साथ साथ हमें भेज सकते हैं। एज यूजुअल हमारे पास कुछ सवाल इनबॉक्स में होते हैं, हम उनका पहले जवाब देंगे और साथ साथ जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हैं आप हमें भेज सकते हैं। वी हैव दिस क्वेश्चन कि ख्वाजा इनाम कह रहे हैं कि उनको 2 साल से पेट में दर्द हो रही है और उनकी उम्र 31 साल है। सिर्फ आपने बताया है कि पेट में दर्द है, ये बड़ी वेग सी सिम्टम है कि सिर्फ दर्द हो रही है। थोड़ा सा हमें आप और भी बताना पड़ेगा कि दर्द किस किस्म की होती है, आपको कोई स्पैजम सा या कोई मरोड़ फील होता है, जलन फील होती है, कोई चुभन फील होती है, इसके साथ साथ कोई और सिम्टम आपको होता है या नहीं, जिस तरह के उल्टी की कैफियत होना, गैस हो जाना, बदहजमी हो जाना, यरकान होना, मोशन किस किस्म का आपको आता है, लूज आते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहती है, कुछ बातें हमें अगर आप हमें कुछ भेज सकें बता सकें। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज आपकी उम्र में, अगर आप स्मोकर नहीं है तो एसिडिटी की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें आपको मिर्चों का इस्तेमाल कम करना होगा और फ्राई चीजें कम खानी होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको 2 साल से पेन है तो एहतियातन एक अल्ट्रासाउंड आपने जरूर कराना है कि कहीं आपको स्टोन्स का इशू तो नहीं है। इसके अलावा बहुत से ऑर्गन्स होते हैं जो अल्ट्रासाउंड पे हमें आइडिया हो जाएगा कि उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मोस्टली एसिडिटी और बदहजमी की वजह से पेट में दर्द होती है और वो आप अपनी खुराक के परहेज से ठीक कर सकते हैं और एक स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं, मैदा और जिगर के स्पेशलिस्ट को, वो बेहतर बता सकता है कि ये दर्द किस किस्म की है, मैदे की है या किसी और जगह की है। अल्ट्रासाउंड करवा के आप देख सकते हैं कि स्टोन्स वगैरह तो नहीं है। हेलो वकास, एंड हेलो उमेर, एक क्वेश्चन हमारे पास है कि एक मरीज को एमन हसनैन पूछ रही है कि एपिलेप्सी है और वो अटैक से बचने के लिए क्या करें, वो एपिवाल और एक और दवाई का नाम है, समझ नहीं आ रहा, वो यूज किया है पर अटैक से बचने का कोई तरीका। जी एमन, जब एपिलेप्सी ऑब्वियसली आपको कुछ सालों से होगी, उसके लिए आप दवाई इस्तेमाल कर रही हैं, तो एपिलेप्सी का अटैक सबसे मोस्ट कॉमन कॉज, जब दवाई इस्तेमाल करने के बावजूद जब अटैक होता है तो वो होता है स्ट्रेस की वजह से, आपकी अगर नींद पूरी ना हो तो उसकी वजह से। तो ये 2 मोस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं एपिलेप्सी को स्टिमुलेट करने के लिए, कि दवाई के बावजूद भी अगर आपको ये अटैक्स आते हैं तो उसमें थकन, नींद ना पूरी होना, स्ट्रेस लेना, ये रीजन है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि नींद आपकी पूरी हो, 8 से 9 घंटे नींद पूरी होनी चाहिए और आप कभी भी ज्यादा काम ना करें, क्योंकि आपको एपिलेप्सी है, आपको कुछ देर काम करने के बाद रेस्ट जरूरी है और दवाई अपनी आपने जरूर इस्तेमाल करनी है, दवाई छोड़ने की वजह से भी, 1-8 डोज छोड़ने की वजह से या कम करने की वजह से भी एपिलेप्सी का अटैक हो सकता है। तो ये चीजें आपने थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है कि आपने थकना नहीं है और नींद अपनी पूरी करनी है। हेलो अस्कर, हेलो कमर, हारिस आप पूछ रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं, अपना सवाल लिख के भेजें। वालेकुम अस्सलाम अरबाब, एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी है कि अस्थमा की प्रॉब्लम, इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि उनके भाई को अस्थमा की प्रॉब्लम है 20 साल से और उनकी एज अब 25 है और उनके पेट में दर्द होती है। आम तौर पे स्टीरोइड, जिनको अस्थमा होता है वो स्टीरोइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं या स्टीरोइड गोलियों के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे होते हैं या इनहेलर के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से पेट में दर्द हो सकती है, अल्सर्स बन जाते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि इनके पेट में दर्द हो और हो सकता है कि इनके पेट के दर्द का ताल्लुक अस्थमा के साथ ना हो। जरूरी नहीं कि अस्थमा की वजह से पेट में दर्द हो, अगर लेकिन अस्थमा की वजह से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में तो पेट में दर्द हो सकती है।
मैंने अभी जैसे बताया कि खुराक का परहेज कर सकते हैं अगर आपको अल्सर है, जिसमें स्पाइसेस का और फ्राई चीज़ों का और फिजी ड्रिंक्स पेप्सी सेवन से परहेज करके अल्सर की तकलीफ से बचा जा सकता है। लेकिन अगर स्टीरोइड्स खा रहे हैं तो कुछ मेरे की दवाइयां हैं जो उनको देनी पड़ेंगी ताकि उनको ये पेन ना हो। आप किसी मैदा और जिगर के स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं ये देखने के लिए कि पेट का दर्द आपके भाई में क्यों हो रहा है। हेलो वकास, आसिफ यूनुस पूछ रहे हैं व्हाई गैस मूव टुवर्ड्स ब्रेन। नहीं, गैस दिमाग की तरफ नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं जाती। ये एक हमारे लोगों में आम सी एक ख्याल है, नोशन है कि गैस दिमाग को चढ़ जाती है, विच इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। गैस की वजह से पेट में दर्द सी होती है, उसकी वजह से आपको हो सकता है कि बेहतर फील ना कर रहे हो, सर में दर्द शुरू हो जाए, लेकिन गैस ब्रेन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाती। लो विटामिन डी एंजाइटी एंड डिप्रेशन का कॉज हो सकता है कि नहीं, असद पूछ रहे हैं। असद, विटामिन डी पर से खुद से तो एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं कर सकता। विटामिन डी की कमी की वजह से थकावट महसूस करते हैं, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द होता है, जिसकी वजह से इंसान से जो काम एक्सपेक्टेड है वो नहीं हो सकते। तो एंजाइटी और डिप्रेशन जरूर हो सकता है, लेकिन एपेटाइट सिर्फ विटामिन डी की कमी से एंग्जाइटी और डिप्रेशन नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं तो उसकी वजह से एंग्जाइटी डिप्रेशन जरूर हो सकता है। इन एनी केस विटामिन डी अगर कम है तो विटामिन डी के कैप्सूल्स भी यूज कर सकते हैं, और इसके इंजेक्शन भी हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि उसकी कमी ना हो। सईद शेख पूछ रहे हैं कि उनको शुगर है और वो कौन कौन से फल खा सकते हैं। सईद शेख, आप शुगर में आप तमाम फल खा सकते हैं, जिस लेकिन आम, केला और खजूर इसका इस्तेमाल बहुत कम करना होता है, जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो उसमें शुगर तेजी से आपकी बढ़ सकती है। और इसके साथ साथ आपको फ्रूट जूसेस भी अवॉइड करने हैं, कि फ्रूट जूसेस से भी इंसुलिन स्पाइक आती है। या जब आप फल खाते हैं तो उसके अंदर फाइबर होता है, तो ब्लड में शुगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, लेकिन अगर आप जूस लेते हैं तो फौरन से शुगर तेज हो सकती है। इसलिए हमेशा फ्रूट खाना चाहिए, उसका जूस नहीं पीना चाहिए जिनको शुगर है, और जो फल अवॉइड करने चाहिए उसमें खजूर, आम और केला और अंगूर, जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है। एक इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, हम्बल पर्सन यूज किया है अपना निक, कह रहे हैं कि उनको आईबीएस है, आईबीएस की वजह से कॉन्स्टिपेशन है, और उसकी वजह से उनको दे हैव अ फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन आवर आफ्टर द मूवमेंट ऑफ बोल्स, एंड हाउ एंड व्हेन टू यूज इस्पागोल हस्क, यानी वो इस्पागोल पूछना चाह रहे हैं कि वो कब ले सकते हैं, खाने से पहले लें या बाद में लें, या दूध में लें या दही में। और जी इस्पागोल हमारा तो काफी कॉन्सेप्ट है कि आप सुबह लें तो ये होगा, और खाने के साथ लें या दूध के साथ लें। आप इस्पागोल जिस तरह भी ले सकते हैं आप लें, आपको दूध में लेना है, आपको पानी में लेना है, आपको खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। फाइबर अंदर जाना चाहिए। द इशू इज कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें खाने को हजम करते वक्त गैस बनना शुरू होती है, और उसकी वजह से हमें फिर कॉन्स्टिपेशन और पेट में दर्द हो सकती है। तो बेहतर ये होता है कि आप खाने से फौरन पहले या खाने से फौरन बाद ले लें,
लेकिन बहरहाल उसका इफेक्ट फिर भी रहता है. आप उसे अर्ली मॉर्निंग लेते हैं, आप उसको रात को लेते हैं, आप उसे पानी के साथ, दूध, दही, किसी चीज के साथ भी ले सकते हैं, जिस तरह आपको लेना आसान लगे और जिस तरह आप उसको रोज ले सके. तो आप इस्बगोल जरूर लें, और स्पेशली आपको आईबीएस है इस केस में, इस्बगोल ही आपका बेहतर इलाज है, बल्कि इस्बगोल ही इलाज है दवाइयों के बगैर. तो आप जिस तरह भी आपको चाहिए आप इस्बगोल लें, खाने के साथ जरा अच्छा इफेक्ट आएगा, लेकिन पानी, दूध और दही किसी चीज के साथ भी आप ले सकते हैं. तैमूर शहजाद पूछ रहे हैं कि जब वो सो के उठते हैं तो उनके दांतों में खून जमा हो जाता है. दांतों में या खून आना या मसूड़े से खून आना, सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो मसूड़ों में इन्फेक्शन की वजह से आता है कि हमारे मसूड़े साफ नहीं होते. हम दांत तो साफ कर लेते हैं, रात को ब्रश करते हैं, सुबह भी ब्रश करते हैं, लेकिन मसूड़े हमारे साफ नहीं होते. तो उसके लिए हर 6 महीने बाद दांतों को डॉक्टर को दिखाना होता है. स्केलिंग और पॉलिशिंग एक इस तरह का होता है प्रोसीजर, जिससे आपके मसूड़े भी साफ होते हैं. तो आप अपनी स्केलिंग जरूर करवाएं कि आपको अगर मसूड़ों का इन्फेक्शन है तो आपके मसूड़े साफ हों और आपको खून ना आए. और वाइटामिन सी की कमी की वजह से भी आपको दांतों से खून आ सकता है. तो आप विटामिन सी की कोई सी भी गोली इस्तेमाल कर सकते हैं. 500 मिलीग्राम एक दिन में एक गोली आप इस्तेमाल कर लें. सी कॉन के नाम से आती है, CECON आप इस्तेमाल करें. लेकिन जो मुझे लग रहा है कि मोस्ट कॉमन कॉज आपके केस में मसूड़ों का इन्फेक्शन है, जो कि दांतों के डॉक्टर को दिखाने से ही क्लियर पता चलेगा कि आपको ये है या नहीं. हारिस मेरे क्लिनिक का एड्रेस पूछ रहे हैं. आपको हम रिप्लाई में, आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको हम बता देते हैं कि मेरा क्लिनिक का एड्रेस क्या है और मैं किस टाइम पे बैठती हूँ. हेलो आलिया, गुलाम कादिर पूछ रही थी उन्हें कॉन्स्टिपेशन है. पहले तो आप महर ये बताएं कि कॉन्स्टिपेशन से मुराद क्या है, कि आपको रोज स्टूल की मूवमेंट नहीं आती या आपको स्टूल करते हुए जोर लगाना पड़ता है. इन एनी केस कॉन्स्टिपेशन का इलाज दवाइयों के बगैर इस तरह किया जा सकता है कि आप पानी का इंटेक बहुत ज्यादा रखें, कम अज कम दिन में 10 से 12 ग्लासेस मौसम में भी इस्तेमाल करें. फाइबर का इंटेक बहुत ज्यादा रखें. फाइबर किन चीजों में होता है, रोटी में होता है. रोटी भी जो हम होल व्हीट आटा इस्तेमाल करते हैं, गंदम पिसवाते हैं, उसकी रोटी में फाइबर की मिकदार ज्यादा होती है. फ्रेश फ्रूट्स में, सब्जियों में फाइबर होता है. और इसके अलावा अगर आपने एक्स्ट्रा फाइबर लेना है तो वो आप इसको होल की फॉर्म में भी ले सकते हैं. तो अपना फाइबर इंटेक बहुत ज्यादा रखें. 2 बड़े चम्मच इसको होल के सुबह लें और 2 आप शाम को लें. पानी का इंटेक ज्यादा रखें, सब्जियां फलों का ज्यादा इस्तेमाल करें. अगर इसके बावजूद भी आपकी कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक हो सकती, फिर उसके लिए कुछ दवाइयां हैं जो आपको एडवाइस की जा सकती हैं. आलिया तफात कह रही हूँ कि फेस पर बहुत स्वेलिंग रहती है. फेस पे स्वेलिंग, स्वेलिंग कहीं भी अगर बॉडी में हो तो उसमें हमने 3-4 चीजें देखनी होती है. एक तो ये कि आपके किडनी सही काम कर रही है, आपके लिवर सही काम कर रहा है, आपका हार्ट सही काम कर रहा है, और आपको शुगर का मसला तो नहीं है साथ. और तो सबसे पहले अपना आप रीनल फंक्शन टेस्ट कराएं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं, और आप बता सकती हैं कि आपको शुगर वगैरह तो नहीं है. ब्लड प्रेशर मोस्ट कॉमन कॉज है जिसकी वजह से फेस पे स्वेलिंग होती है, तो आपको ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं है. अपना ब्लड प्रेशर रोज चेक करवाएं, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएं. ये मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं स्वेलिंग होने के. फवाद पूछ रहे हैं कि उन्हें
भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती। बाद आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, क्या आप ओवरवेट हैं, आप अंडरवेट हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आपका BMI क्या है, थोड़ा सा हमें बताएं। और एक दिन में आप कितनी खुराक ले लेते हैं, कितनी नाश्ते में क्या खाते हैं, लंच क्या खाते हैं, और एक टाइम पे आप कितना खा लेते हैं, थोड़ा हमें बताइए। हेलो साकिब, राहील खान कह रहे हैं कि खाने का प्लान उनको दिया जाए। इतना हम प्लान नहीं बता सकते, आप ये बताइए कि आपने वेट लूज करना है, कितना वेट लूज करना है, वेट गेन करना चाहते हैं, आपका प्लान क्या है, आपकी एक्सरसाइज एक्टिविटी क्या है। सिर्फ ये बता सकते हैं आपको कि हेल्दी खाना खाएं। हेल्दी खाना क्या होता है कि आपने मीठे का इस्तेमाल कम करना है, फ्राई चीज़ों का, फास्ट फूड का इस्तेमाल कम करना है, चावलों का इस्तेमाल कम करना है। अगर आपका आपका एम वेट लॉस है तो ये आपको चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। चिकन, फिश, सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें मैंने जो बताई हैं, चावल, मीठा, फास्ट फूड और बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल आप कम करें, एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी आप बढ़ाएँ। तो इसके साथ अगर आपका एम इज़ टू लूज वेट तो वो कम हो जाएगा। वेलकम सर। राहिल, आपने बताया कि आप फैट लूज करना चाहते हैं, तो जी जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह आप अपना वेट भी और फैट भी लूज कर सकते हैं। जैक पूछ रहे हैं कि चेहरे के दाग कैसे खत्म होंगे, क्या आपको एक्ने रही है, आप एक्ने के जो दाग रह जाते हैं उसकी उसकी बात कर रही है, इसके अलावा आपके चेहरे को छाइयाँ वगैरह हैं, एक्ने के दाग हैं या छाइयाँ हैं, तो एक दफ़ा आप स्किन स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखा दें कि वो देखें कि दाग किस किस्म के हैं, और उसके मुताबिक आपको कोई क्रीम लगाने के लिए दे सकते हैं, खाने की दवाई भी दे सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा देखना ज़रूरी है कि ये किस किस्म के दाग हैं, एक्ने के दाग हैं या किसी और वजह से आपको पड़ रहे हैं। खुराक बेहतर रखें, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, और चिकन और फिश खाएं तो उससे स्किन फ्रेश रह सकती है। मल्टी विटामिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन दाग किस किस्म के, उनका किस किस्म का इलाज होना चाहिए, लेज़र होना चाहिए, दवाइयाँ इस्तेमाल करने से ठीक हो जाएगा, ये स्किन स्पेशलिस्ट को आप दिखा के बेहतर आप मशवरा ले सकते हैं। थैंक यू रहमदाद। शाहजे पूछ रहे हैं कि उनकी बियर्ड में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गई, तो डैंड्रफ की वजह होती है खुश्की। हम जिस तरह बालों का ख्याल रखते हैं उस तरह आप अपनी दाढ़ी का या बियर्ड का उस तरह केयर नहीं होती, तो बियर्ड पे लगाने के लिए, दाढ़ी पे लगाने के लिए स्पेसिफिक ऑयल्स भी मिलते हैं ताकि उनकी अच्छी केयर की जाए। तो जिस तरह सर के बालों का आप डैंड्रफ से ख्याल रखते हैं उस तरह आप उसी सिमिलर केयर आप कर सकते हैं कि आप अपने दाढ़ी पे ऑयल्स लगाएं, स्पेसिफिक ऑयल्स आते हैं वो लगा सकते हैं, जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर ठीक नहीं हो तो आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, लेकिन दाढ़ी में डैंड्रफ की वजह वही है जो सर में डैंड्रफ की वजह होती है, खुश्की है, तो आप कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीर हमजा पूछ रहे हैं कि वो अपनी दाढ़ी में और सर में वाइट हेयर को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली सफ़ेद बालों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो आपके जीन हैं, जिस टाइम पे उन्होंने आना है वो आएंगे। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि उनका रंग चेंज कर दें, बालों को का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे आपके वाइट हेयर कम किए जा सके। हम्बल पर्सन प्लीज अपना नाम भी बताइए, इट्स वेरी वियर्ड कॉलिंग यू हम्बल पर्सन हियर, बट your question is to how to increase LES pressure in GERD patients. LES pressure की कम होने की वजह GERD patients में acidity का ज़्यादा इस्तेमाल
पेन किलर्स को ज्यादा इस्तेमाल, एंटीबायोटिक्स, कुछ खास एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, विटामिन सी का इस्तेमाल, ये चीजें जिसकी वजह से एलईएस प्रेशर बहुत कम हो जाता है. तो इन चीजों से अगर आप एसिडिटी चीजें ना खाएं, स्पाइसी चीजें ना खाएं, फिजी ड्रिंक्स ना लें, तो एलईएस का प्रेशर बेहतर हो सकता है. वेट कम करने से अगर यहाँ पे आपके फैट ज्यादा हो तो उसकी वजह से एलईएस का प्रेशर भी कम हो जाता है, का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो अपना वेट कम करने से भी आप एलईएस का प्रेशर बेहतर कर सकते हैं. इसके अलावा रात को जल्दी सोने से, और यानी रात का खाना और रात के सोने में अगर वक्फा ज्यादा हो तो भी काफी फायदा हो सकता है. बेहतर ये है कि आप अपना खाना जल्दी खा लें और उसके बाद लेटे नहीं, क्योंकि वॉक एक्सरसाइज कर लें, ताकि खाना आपके मेदे में ज्यादा देर ना पड़ा रहे, आगे चला जाए. तो खाना जितनी देर वहां पड़ा रहेगा तो एलईएस अगर आपका लूज है तो वो प्रॉब्लम मजीद बढ़ती जाएगी. तो बेहतर है कि एक्सरसाइज या वॉक खाने के बाद जरूर करें. तो इन सब चीजों से एलईएस प्रेशर को मेंटेन किया जा सकता है. सिद्रा खान कह रही है कि वो हाइपरथायरॉइड है और वो किस, उनका वेट ज्यादा है, वो कैसे लूज करें. अगर आप हाइपरथायरॉइड हैं तो आपके लिए वेट लूज करना बहुत आसान है, क्योंकि आपका थायरॉइड हाइपर एक्टिव है. हाइपोथायरॉइड लोगों के लिए मुश्किल होता है टू लूज वेट, बट यू आर हाइपरथायरॉइड, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू लूज वेट. एज आई टेल ऑलवेज, आप अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज 80% जो फैक्टर विच इज इम्पोर्टेंट इन वेट लॉस इज व्हाट यू ईट, जो आप खाते हैं, जो वो आपके वेट लॉस या वेट गेन पे इफेक्ट करता है. तो यस, रिपीटिंग इट अगेन, मीठे का इस्तेमाल ना करें, चावलों का इस्तेमाल ना करें, और ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें. एक टाइम पे थोड़ी मिकदार में खाएं, ज्यादा कोशिश करें कि सब्जियां, फलों का इस्तेमाल करें, चिकन का इस्तेमाल करें, ऑयली चीजों का, फ्राइड चीजों का इस्तेमाल कम करें, और एक्सरसाइज करें. तो देयर इज नो रीजन कि आपका वेट कम ना हो. और ये चीज ना करें एक्सपेक्ट कि आपने एक या दो हफ्ते अपनी खुराक का परहेज रखा है और वेट नहीं कम हो रहा, मैंने एक महीना जो है ये खाना कंट्रोल किया है और मेरा वेट नहीं कम हो रहा है. इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इसमें महीने लगते हैं, 6 महीने, साल लग सकता है. तो आपको अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको कोई प्लान नहीं फॉलो करना, आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है जिसमें ये चीजें आपकी डाइट में होनी ही चाहिए. और आपको एक्सरसाइज को अपने रोज की एक्टिविटी बनाना है, जिस तरह की आप इंसान खाना खाता है, वॉशरूम जाता है, सांस लेता है, उसी तरह एक्सरसाइज को, चाहे 5 मिनट की, चाहे 10 मिनट की है, चाहे आधे घंटे की है, एक्सरसाइज को अपने लाइफ का हिस्सा बनाना है आपने. और तो देयर इज नो रीजन कि आपका वेट कम ना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. कभी कोई जो प्लान्स होते हैं इस तरह ये फॉलो ना करें, क्योंकि जिसमें बिल्कुल भी इंसान खाना पीना छोड़ देता है. होता यही है कि इंसान खाता नहीं है और 3-4 हफ्ते वेट कम होता है, उसके बाद फिर वेट कम होना बंद हो जाता है. तो कभी अपने आप को स्टार्व नहीं करना, स्टार्वेशन मोड में जब हम खाना छोड़ देते हैं और 3-4 हफ्ते हमारा वेट लूज होता है, उसके बाद वेट लूज होना बंद हो जाता है. उसकी वजह ये होती है कि आपकी बॉडी फैट स्टोर करना शुरू कर देती है. जब बॉडी को पता चलता है कि वो स्टार्वेशन मोड में चली गई है तो वो फैट लूज नहीं करती, वो फैट को स्टोर कर देती है. इसीलिए हमेशा सही खाना चाहिए, थोड़ी मिकदार में खाना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए. थैंक यू गुलाब. सायरा रिजवान पूछी कि फीटल कार्डिक एक्टिविटी किस वीक तक आ जाती है. सायरा, 4th और 5th वीक तक कार्डिक एक्टिविटी आ जानी चाहिए, फीटल कार्डिक एक्टिविटी इन योर स्कैन. थैंक यू इब्राहिम, थैंक यू अमीर. आयशा बजूल कह रही है कि उनके पीरियड्स की टाइमिंग बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 15 डेज लेट आते हैं. आयशा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस केस में सबसे पहले आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, ताकि ये देखा जाए कि कोई अंदर आपके यूट्रस में या ओवरीज में कोई सिस्ट या कोई और इस तरह का इशू तो नहीं है. और उसके बाद फिर आपके हॉर्मोन के टेस्ट होंगे,
जिससे आइडिया होगा कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है. तो बेहतर है कि आप अपने स्पेशलिस्ट जो होती हैं गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाएं, सो दैट वी हैव एन अल्ट्रासाउंड डन और कुछ हार्मोनल टेस्ट टू सी वेदर देयर इज एन कोई प्रॉब्लम है या कोई एबनॉर्मेलिटी है या नहीं. शफीक आदि कह रहे हैं कि यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है उन्हें फॉर 4 ईयर्स. आप सबसे पहले चीज़ ये आपने देखनी है कि यूरिक एसिड किस किस चीज़ से बनता है. आमतौर पर यूरिक एसिड हमारी किडनीज एक्सक्रीट कर देती हैं, निकाल देती हैं. जब उसको निकालने में कोई इशू आता है तो फिर यूरिक एसिड हमारी खून में बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर वो जोड़ों में बैठना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में और एड़ियों में दर्द हो सकता है. तो अगर द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ यूरिक एसिड इज कि आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं जिनसे यूरिक एसिड बनता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गोश्त का इस्तेमाल, जिसमें बड़ा गोश्त भी शामिल है, छोटा गोश्त भी शामिल है, चिकन भी है, फिश भी है, चने और लोबिया, इनसे भी यूरिक एसिड ज़रा ज़्यादा हो सकता है. एंड इसके अलावा जो हरे पत्ती वाली सब्जियाँ होती हैं, फॉर एग्जाम्पल साग, पालक, धनिया, पुदीना, इनके साथ भी यूरिक एसिड ज़्यादा हो सकता है. तो आपको चाहिए कि ये चीज़ें, अगर आप यूरिक एसिड सात से ज़्यादा, अगर आप आदमी हैं और अगर आप खातून हैं तो 6.5 से आपका ज़्यादा है, तो फिर आपको सबसे पहले खुराक का परहेज करना चाहिए. और अगर इसके साथ कंट्रोल ना हो तो फिर आपको यूरिक एसिड के लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए. थैंक यू हम्बल पर्सन. I think we're done. बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, इतने ही सवाल. इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को आपसे मुलाकात होगी. सी यू. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.